हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो लिमिट पॉइंट की एक थ्योरम है बाल्जिनो वाइसटाइट प्रमेय, ठीक है। उसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पीछे की जो क्लासेस थी उसमें भी अपन ने लिमिट पॉइंट की जो कुछ थ्योरम्स थी उनके बारे में डिस्कशन किया था। लिमिट पॉइंट की जो अपनी पहली थ्योरम थी वो अपने फाइनाइट सेट के बारे में डिस्कशन किया था कि जो फाइनाइट सेट होता है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। आज जो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं वो जो बाल्जिनो वाइसटाइट थ्योरम जो होती है वो होती है अपने जो इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट की बात होती है। यहाँ पे जो अपना सेट होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है और बाउंडेड होता है। तो जो बाल्जिनो वाइसटाइट थ्योरम है उसके लिए अपन देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है और इसके प्रूफ को भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो अपन देखते हैं इसकी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, एक लिमिट पॉइंट होता है। ये किसकी बात कर रहा है, इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट, ठीक है। इनफाइनाइट होने के साथ साथ इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने के साथ साथ उसके अंदर जो वो है वो कैसा है, बाउंडेड है, ठीक है। सेट कैसा है अपना, बाउंडेड है। उसके लिए अपन यहाँ पे क्या सिद्ध करेंगे, अपन सिद्ध करेंगे कि उसके लिए कम से कम एक लिमिट पॉइंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके थ्योरम को अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैंने सेट मान लिया, माना वास्तविक संख्याओं आर का असीमित, जो ये सेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना वैसा ही सेट यहाँ पे अपन लेते हैं एस को, असीमित परिबद्ध समुच्चय है, असीमित परिबद्ध समुच्चय है, ये अपन ने यहाँ पे लेट क्या है, ठीक है। एस जो है वो अपन ने कैसा लिया है, एस जो है वो असीमित परिबद्ध समुच्चय मैंने यहाँ पे लेट किया है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना है वो एस के लिए क्या है, एक लिमिट पॉइंट सिद्ध करना है कि एस का कम से कम क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट यहाँ पे होगा। तो यहाँ मैं सिद्ध करने के अंदर क्या लिखूंगी, सिद्ध मेरे को क्या करना है, एस का कम से कम एक सीमा बिंदु होगा, यानी एक लिमिट पॉइंट होगा, ये मुझे यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आप सभी को बताई हुई है कि लिमिट पॉइंट अपन को किसी भी पॉइंट को प्रूफ करना है तो लिमिट पॉइंट प्रूफ करने का सेंस होता है कि उसके नेबरहुड में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, उसके नेबरहुड में उस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। ये यहाँ पे अपने जो लिमिट पॉइंट होती है उसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे सिद्ध करना है, फिर उसके अंदर देखेंगे। यहाँ पे एस अपन ने कैसा लिया है, परिबद्ध लिया है, कैसा लिया है, बाउंडेड सेट लिया है ना एस, चूँकि एस जो है वो मेरा कैसा है, परिबद्ध समुच्चय है। तो परिबद्ध समुच्चय की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी पीछे, परिबद्ध समुच्चय है तो अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल के लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल कैपिटल के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। एस अगर परिबद्ध है तो ये ऊपरी परिबद्ध भी होगा और क्या होगा, निचला परिबद्ध, दोनों तरफ से ये क्या होगा, बाउंडेड सेट यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे। परिबद्ध समुच्चय होगा तो परिबद्ध समुच्चय वही होता है जो दोनों तरफ से कैसा होता है, बाउंडेड होता है। एस परिबद्ध समुच्चय है तो उसकी डेफिनेशन से अपन ये चीज लिख सकते हैं। अब एक अपन अलग से समुच्चय यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एस के अंदर एक टी डिफाइन करते हैं, माना यहाँ पे मान लेते हैं, माना एक समुच्चय टी कैपिटल टी, ठीक है, निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं उसको, निम्न प्रकार परिभाषित
करते हैं निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, उसके लिए अपना क्या रहेगा, टी को मैं क्या प्रूफ करूंगी, टी जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो स्मॉल टी होगा और ये जो स्मॉल टी होगा वो क्या होगा, एस के अवयवों से कैसा होगा, छोटा, या तो एस के अवयवों से क्या होगा, एस के अवयवों से छोटा या अधिक से अधिक परिमित अवयवों से बड़ा, या अधिक से अधिक, मतलब जो हाईएस्ट इसकी जो परिमित वैल्यू होगी, हाईएस्ट जो बाउंडेड सेट होगा उससे ही कैसा होगा, बड़ा होगा, या अधिक से अधिक परिमित अवयवों से, अधिक से अधिक परिमित अवयवों से बड़ा, ये अपने को यहाँ पे माना है, ठीक है। ये अपन ने किसको माना है, कैपिटल टी के अवयवों को माना है। कैपिटल टी के जो अवयव होंगे वो किस प्रकार के होंगे, या तो एस के अवयवों से क्या होंगे, वो छोटे होंगे, या फिर उसके अधिक से अधिक, देखो यहाँ से हाईली बाउंडेड अपन देखेंगे, हाईली अधिक से अधिक जो परिमित अवयव होगा, अधिक से जो सबसे बड़ा अवयव होगा, वैसे इसका सबसे बड़ा अवयव निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो इसमें सबसे बड़ा, लेकिन ये बाउंडेड भी है तो ये चीज़ पॉसिबल हो भी सकती है। अधिक से अधिक जो अपना परिमित वैल्यू होगी उससे कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब अपन टी के लिए यहाँ पे अपन जानते हैं कि K जो होता है, अपन ने अभी जो S को यहाँ पे क्या लिखा था, एक बाउंडेड सेट लिखा था, और K जो है वो लेस देन क्या होता है, स्मॉल K, को मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, स्मॉल K होता है वो लेस देन इक्वल क्या होता है, X, यानी जो S होगा उसके अंदर ये जो स्मॉल K है वो S के अवयवों में सबसे छोटी एलिमेंट है, S के किसी भी अवयव से क्या है, बड़ा नहीं है, ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है, जो अपन इसका लोअर बाउंड मानते हैं, सबसे नीचे का जो बाउंड होते हैं, तो सबसे लोअर बाउंड होते हैं वो उसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है, उससे छोटी वैल्यू उस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो वैसे ही अपन स्मॉल के ले रहे हैं, स्मॉल के से बाउंडेड दिखा रहे हैं, स्मॉल के इसका लोअर बाउंड है, तो लोअर बाउंड एस के किसी अवयव से क्या नहीं होगा, ये बड़ा नहीं होगा, एस के किसी अवयव से हैं बड़ा किसी भी अवयव से बड़ा नहीं है, ये मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू है कुल मिला के, बात ये है, ठीक है। ये जो के अपन यहाँ पे स्मॉल के देख रहे हैं, ये क्या है, एस का सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है, किसी भी अवयव से बड़ा नहीं है, सबसे छोटा है। तो अपन ने यही तो माना है, टी को क्या माना है, एस के अवयवों से छोटा, तो एस के अवयवों में सबसे छोटा कौन है, के है, तो के मतलब क्या होगा, के बिलोंग कर जाएगा किसके अंदर, कैपिटल टी में, इसका मतलब जो टी होगा वो अपना फाई तो नहीं होगा, एम्प्टी सेट तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट तो उसके अंदर एग्जिस्ट कर ही गया, ऐसे ही इस तरीके से इसके नेबरहुड्स जो होंगे वो भी इसमें कंटेंट्स होते जाएंगे, तो ये क्या होगा, फाई नहीं होगा। के जो है वो एस के किसी भी अवयव से बड़ा नहीं, यानी ये सबसे छोटा एलिमेंट है, और छोटा एलिमेंट होने की वजह से ही सबसे, अपन ने यहाँ पे देखा है जो टी को डिफाइन किया है वो एस के अवयवों से छोटा दिया है, तो एस के अवयवों में सबसे छोटा कौन है, अपना के है, तो के किस में बिलोंग कर गया, टी में बिलोंग कर गया, इसका मतलब टी अपना कैसा है, खाली एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, यहाँ पर नहीं है। अब अपन टी को पहले क्या दिखाएंगे, ऊपरी परिबद्ध दिखाएंगे, ऊपरी परिपथ दिखाएंगे, फिर अपन इसके अंदर इसके लिमिट पॉइंट की एग्जिस्टेंस दिखाएंगे, ठीक है। ऊपरी परिपथ क्यों दिखा रहे हैं वो अभी अपन को पता चल जाएगा, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अपने को पहले इसको क्या दिखाना पड़ेगा, ऊपरी परिपथ दिखाना पड़ेगा। टी जो है पहले अपन दिखाएंगे, पहली जो चीज़ होगी वो अपनी यही होगी कि जो मेरा टी होगा वो कैसा होगा, अबव बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा, ऊपरी परिपथ होगा, टी जो है वो ऊपरी परिबद्ध है, ये अपने को यहाँ पे पहली चीज़ प्रूफ करनी है, किसको, टी के लिए बताना है, ठीक है। तो किसी एप्साइला ग्रेटर देन जीरो के लिए अपन क्या लिख सकते हैं,
एप्साइला ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर मैं लिखूँ k प्लस एप्साइला, यहाँ पे जो मैं k ले रही हूँ इसको ध्यान से देखना, कैपिटल वाला k ले रही हूँ, ठीक है। कैपिटल k प्लस एप्साइला जो होगा वो किससे ग्रेटर देन होगा, k से ग्रेटर देन होगा, और k जो है वो क्या है, सबसे ग्रेटर देन वैल्यू है किसकी, x की। क्योंकि अपन ने जब इसके बाउंडेड को प्रूव किया था, k को जब अपने बाउंडेड, तो k जो है वो इसका क्या है, सबसे अपर बाउंड है। कैपिटल के को अपर बाउंड ले रहे हैं, स्मॉल के को अपन लोअर बाउंड ले रहे हैं, तो के प्लस क्या होगा, के प्लस एप्साइला जो होगा वो के से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब ये चीज़ हो जाएगा कि जो के प्लस अपना एप्साइला होगा, ये जो कैपिटल के प्लस एप्साइला है, ये क्या होगा, नॉट बिलोंग करेगा इसमें टी में, ये टी में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो और के भी क्या होगा, टी के में, टी के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एस के अपन ने परिमित अवयवों की बात हुई है वहाँ पे, तो परिमित अवयवों के लिए अपन ने लिखा था, ये भी टी में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब जो स्मॉल टी होगा वो क्या होगा, के से कैसा होगा, लेस देन होगा, इस कैपिटल के से क्या होगा, लेस देन होगा, और अपन ने परिमित अवयव से छोटा है अपन ने ऐसा उसको डिफाइन किया था, तो स्मॉल टी जो होगा वो कैपिटल के से कैसा होगा, अपना लेस देन होगा, तो इसका मतलब टी जो होगा वो मेरा ऊपर से ऊपरी परिबद्ध होगा। यही तो अपने को पहली चीज यहाँ पे क्या प्रूव करनी थी, टी को अपने को ऊपर से परिबद्ध दिखाना था, तो टी क्या आ गया अपना यहाँ से ऊपर की ओर परिबद्ध, एक हर एक समुच्चय आ गया। अब अपन दूसरी चीज अपन यहाँ पे जो लिमिट से लिमिट पॉइंट के लिए दिखाएंगे, पहले इसके लिमिट पॉइंट के लिए अपन ने एक वैल्यू मान ली, अभी अपर बाउंड है तो इसका उच्चक इसमें कंटेन करेगा, ये अपन ने कंप्लीटनेस जो अपनी पूर्णता अभिगृहित को अपन ने पढ़ा था उससे अपन देख सकते हैं। कंप्लीटनेस अभिगृहित के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने ये पढ़ा था कि कोई भी सेट अगर अबव बाउंडेड है तो उसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि उसका उच्चक जो होगा वो उसमें क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि टी ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है, टी जो है वो मेरा क्या है, ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है, अतः टी का उच्चक विद्यमान होगा, उच्चक इसमें क्या होगा, विद्यमान होगा, उच्चक विद्यमान होगा। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, कंप्लीटनेस से लिखा है ये, अपन ने कंप्लीटनेस जो पढ़ा था पूर्णता अभिगृहित उससे ये चीज़ मैंने लिखी है, टी जो है वो मेरा कैसा है, ऊपर से कैसा है, परिबद्ध है, तो टी का उच्चक विद्यमान होगा। मैंने टी के उच्चक को क्या मान लिया, माना टी का उच्चक कितना है मेरा, एल है, टी का उच्चक एल है। अब मुझे यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो इस L को मैं क्या प्रूफ करूँगी, लिमिट पॉइंट प्रूफ करूँगी, और वो भी किसका, S का लिमिट पॉइंट मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है। तो लिमिट पॉइंट प्रूफ करने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, लिमिट पॉइंट की जैसे डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या प्रूफ करेंगे कि जो मेरा L होगा उसके नेबरहुड्स के अंदर अपने को उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स कंटेन करना चाहिए, उसका एवरी जो नेबरहुड होता है, प्रत्येक जो उसका सामीप्य होता है वो अनंत बिंदु क्या होने चाहिए, उसमें कंटेन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे जो दूसरी चीज प्रूव करनी है वो क्या करनी है, एल को सीमा बिंदु एल जो है वो एस का क्या है, सीमा बिंदु है, ये मुझे प्रूफ करना है, एल एस का सीमा बिंदु है, ये मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है। अब अपन, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा है कि L को अपन ने क्या माना है, T का उच्चक माना है, तो उच्चक की डेफिनेशन लगाएंगे यहाँ पे, L जो है वो मेरा T का क्या है, उच्चक है, L मेरा T का उच्चक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एप्साइला ग्रेटर देन जीरो के लिए फॉर ईच T बिलोंग्स टू T के लिए सच देट, ये मैं उच्च की डेफिनेशन से लिख रही हूँ,
स्मॉल टी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एल माइनस एप्साइला से, मतलब इसका जो सामीप्य होगा एल माइनस एप्साइला उससे कैसा होगा, जो एवरी एलिमेंट होगा। उच्च की डेफिनेशन लगाई है मैंने, उच्च की डेफिनेशन मैंने आपको पहले डिफाइन की थी, यही होती है उच्च की डेफिनेशन। ये जो मैंने स्मॉल टी जो मैंने कैपिटल टी से उठाया है, ये स्मॉल टी क्या होगा, एल माइनस एप्साइला होगा, एप्साइला ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, अब अपन जो देखेंगे इसका मतलब जो T है वो S के कुछ सीमित अवयवों से ही बड़ा है। यहाँ पे T के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब जो यहाँ पे T है S के सीमित अवयवों से क्या है, बड़ा है, सीमित अवयवों से बड़ा, सीमित अवयवों से बड़ा है। इसका मतलब जो L माइनस एप्साइला होगा वो S के कुछ सीमित अवयवों को ही कंटेन करेगा, होगा कि नहीं होगा। L माइनस एप्साइला क्या है, L का एक नेबरहुड है। ठीक है, L माइनस एप्साइला L का एक नेबरहुड है। इसका मतलब L माइनस एप्साइला जो होगा वो S के सीमित अवयवों से क्या है, बड़ा है, सीमित अवयवों से, सीमित अवयवों से क्या है, बड़ा है। सीमित अवयवों से बड़ा है तो इसका मतलब S के सीमित अवयव ही इसके क्या होंगे, इसके लेफ्ट साइड में होंगे। वाम पक्ष यही तो होगा ना, राइट वाला, सॉरी लेफ्ट वाला, वाम पक्ष, यानी S के केवल S के सीमित अवयव L माइनस एप्साइला के वाम पक्ष में होंगे, यानी इसका वाम पक्ष अपना डिसाइड हो गया। ये तो क्या होगा, अपना सीमित होगा, जबकि अपने को यहाँ पे किसी भी, मतलब L को अगर अपने को यहाँ पे लिमिट पॉइंट दिखाना होता है तो L के नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट को कंटेन करते हुए दिखाना होता है। तो यहाँ पे अपन जो L प्लस एप्साइला लेंगे, S के जो अनंत अवयव होंगे वो किस में होंगे, S के अनंत अवयव कहाँ पर होंगे, अनंत अवयव होंगे वो होंगे L प्लस एप्साइला के लिए, L प्लस, क्योंकि ये तो लोअर बाउंड अपन ने ऊपरी परिबद्ध दिखाया है तो इससे छोटी वैल्यू तो और ज़्यादा कंटेन हो नहीं सकती है, तो वो तो क्या होंगी, बाउंडेड ही होगी, वो तो क्या होगी, कुछ फाइनाइट वैल्यूज ही होगी जो L माइनस एप्साइला से क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन ये क्या है, निचला परिबद्ध तो है नहीं, तो इसलिए S के जो L प्लस एप्साइला होगा उसके अंदर क्या होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स क्या होंगे, विद्यमान होंगे। L प्लस एप्साइला के दक्षिण पक्ष में विद्यमान है, दक्षिण पक्ष में विद्यमान है, दक्षिण पक्ष में है। तो इसका मतलब, और L जो है वो मेरा T का उच्चक है, L क्या है, अपना T का उच्चक है, तो L प्लस एप्साइला भी तो इसका एक नेबरहुड है। L T का उच्चक है, यानी ये सबसे लीस्ट वैल्यू होती है, तो ये जो L प्लस एप्साइला होगा ये किस में कंटेन नहीं करेगा, T में कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि जो अपना L है वो T का उच्चक है। T का उच्चक होने का मतलब सबसे जो लीस्ट बाउंड होता है उसको यहाँ पे अपन उच्चक बोलते हैं, तो इससे ज़्यादा तो L प्लस एप्साइला जो होगा वो T में कंटेन करेगा नहीं। इसका मतलब है जो ओपन इंटरवल होगा, ये क्या लिखेंगे अपन, L प्लस एप्साइला S के अनंत अवयवों से क्या है, बड़ा है, L प्लस एप्साइला N जो अपना S है उसके अनंत अवयव से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन यहाँ पे कितने अवयव कंटेन कर रहे हैं, समी अभी इन दोनों से क्या हो गया, इसका वाम पक्ष जो हो गया वो तो क्या हो गया, L माइनस एप्साइला से छोटा हो गया, और बाकी इसके अंदर जो, तो L माइनस एप्साइला और L प्लस एप्साइला S के अनंत अवयव को क्या कर रहे हैं, अनंत अवयव विद्यमान है, S के इस नेबरहुड में क्या है, L के इस नेबरहुड में S के अनंत अवयव क्या है, विद्यमान है। अतः जो L होगा वो क्या हो जाएगा, S का सीमा बिंदु होगा। ठीक है,
कम से कम एक सीमा बिंदु का है, मतलब एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक सीमा पॉइंट होना ही चाहिए। और ये किसके लिए सिद्ध करना था, अपना जो असीमित परिबद्ध समुच्चय था उसके लिए यहाँ पे प्रूफ करना था। तो ये थी आज की आपकी बोल्जेनो-वाइस्टेस थ्योरम, इसके बारे में अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। पहले इसको अपन ने इसमें एक सेट माना, टी कैपिटल टी को माना, कैपिटल टी को पहले अपर बाउंड दिखाया, फिर उसका एल माना, टी एल टी का अपन ने उच्चक माना, और उच्चक मान के फिर अपन ने एल को क्या किया है, एस का लिमिट पॉइंट यहाँ पर प्रूफ किया है। कम से कम एक लिमिट पॉइंट यहाँ पर अपने को दिखाना होता है, कम से कम एक लिमिट पॉइंट की यहाँ पर बात हो रही है, तो एल को अपन ने क्या दिखा दिया, एस का लिमिट पॉइंट दिखा दिया। तो ये थी आपने अपनी आज की बोल्जेनो-वाइस्टेस थ्योरम। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो को देखिएगा, और वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछिएगा। थैंक यू सो मच।